खबर बड़वानी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन विशाल रैली आज मुख्य मार्गों से निकली। नर्मदा नव निर्माण समिति पर हुई FIR पर किया सवाल तो उन्होंने क्या जवाब दिया। आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के द्वारा एक प्रेस वार्ता कार्यालय में रखी गई, जहां पर आंदोलन के संबंध में अभी तक के मुख्य मुद्दों से संबंधित चर्चा की गई है तथा सरकार के द्वारा की जा रही दमनकारी नीति कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी की याद दिला रही है। प्रेस वार्ता के पश्चात नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्र के देश के अन्य क्षेत्र से आए विभिन्न आंदोलन कार्यों द्वारा एक विशाल रैली लेकर कोट चौराहा पाली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुराना कलेक्ट्रेट स्थित मंच सभा स्थल पर एक सभा के लिए परिवर्तित हुई, जहां पर देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए बहुत से प्रख्यात समाज सेवकों ने डूब प्रभावित विस्थापकों के दर्द को साझा करते हुए अपने विचार प्रकट किए। प्रेसवार्ता में मुख्य रूप से कर्नाटक के दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार चेतन वरिष्ठ, रघु सामंत राव उड़ीसा, बलदेव चिमालोक कवि किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, सुनील भाई फिल्मकार महाराष्ट्र, इरफान जाफरी, राजकुमार सिन्हा बारगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ सदस्य और नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री सुश्री मेधा पाटकर भी इस प्रेसवार्ता में उपस्थित रहे। हम तो सुनो, हम आज भी बताते हैं हम डरते नहीं है और हम अभी डिफेंड आपको नहीं करते हैं, हम सच्चाई बताते हैं। 6,000 डॉक्यूमेंट कागज हम सौंपा दिया है और कोई भी आएगा तो वो रेडी है, ये नर्मदा नवनिर्माण अभियान प्रस्तुत है हर कुछ, मगर वो न्याय के साथ करना चाहिए। दूसरी बात, जो FIR हुआ है आप लोग क्यों ना FIR को देखते हैं, आप लोग भी पूछिए FIR में क्या है, FIR में ये भूमिका क्या है, उनका क्या ट्रूथ है, क्या एविडेंस है, क्या एलिगेशन है। कोई भी लोग के सामने बता दिया कि ये खराब है, आप लोग हम बताते हैं आप लोगों आप सवाल पूछे तो इसलिए हम कहेंगे आप उनका विरोधी, ऐसा होगा, ऐसा होता है। तो इसी तो मकसद है ना, जो लोग FIR किया है उसको बताकर एक साजिश है। हम तो बताते हैं जब हम न्यायालय में आपके विनती के साथ बताऊं, हम आज आपके जरिए में भीख नहीं मांगते, कर लीजिए आप लोग भी, कर दीजिए आप लोग भी जान फ्रूट जानिए, हमने पेश किया है जो भी मांगे हैं। मुझे मुझे आपसे विनती है जी, मुझे आपसे विनती है उसका एलिगेशन क्या है एक दो ले आयो और आप लोग आकर उसको भी जांच करिए। मेरा सवाल है उनको पूछिए क्या क्या एलिगेशन है, एक दो तीन चार पाँच सौ उसको जांच करिए, हम रेडी है। हम आज डिफेंड नहीं करते हैं, हम सरकार से कोई भीख नहीं मांगते हैं, हम कोई नहीं कहते कि जांच बंद करो, मगर हम चाहते हैं ये जांच के पीछे जो FIR के पीछे एक साजिश है, जो साजिश के साथ ये साजिश के साथ गुजरात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। मेरा नाम बल्ली सिंह चीमा है, मैं उत्तराखंड से आया हूँ और उत्तरी भारत में जन कवि के नाम से मशहूर हूँ और पिछले करीब 1.5 साल से मैं किसान आंदोलन में भी था, किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन एकता उड़ाह का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड का, और पिछले 22 साल की उम्र से मैं आंदोलनों से जुड़ गया था और कविता लिखने मैंने शुरू करी तो 50 साल से मैं आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ मैं नहीं जा पाता हूँ वहाँ मेरे गीत जाते हैं लोग, मेरे ये नर्मदा आंदोलन के लोग भी मेरे गीत गाते हैं। इमरजेंसी को लेकर के अभी हाल ही में क्या लिखा है? इमरजेंसी को लेकर तो हर गीत में मेरे उसमें बात है, लेकिन ये जो एक मेरा गीत है, मौत के डर को छोड़ छाड़ के तू जीने के काबिल हो, जिंदा है तो सड़कों पे या संघर्षों में शामिल हो, उसका एक बंद है। किसे पता था एमरजेंसी भेष बदल कर आएगी, किसे पता था एमरजेंसी भेष बदल कर आएगी, तानाशाही नए दौर में लोकतंत्र कहलाएगी, ऐसा करके मन की बात में, ऐसा हो के मन की बात में जन की बात भी शामिल हो, जिंदा है तो सड़कों पे या संघर्षों में शामिल हो। तो इसी नाम से मेरी किताब भी आ रही है। इमरजेंसी का आप किससे तुलना कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको? ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नए किस्म की इमरजेंसी है जिसे आप अघोषित हैं, जिसे इमरजेंसी कह भी नहीं सकते और लेकिन इमरजेंसी भी है, और तमाम विरोधियों को
अब चाहे जो नर्मदा आंदोलन वाले कितनी सफाइयाँ थी। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सोए हुए को जगाना आसान होता है, जगे हुए को जगाना बड़ा कठिन होता है। सरकार जानबूझकर ये ला रही है, सब जानती है, सरकार ये जानती है बिल्कुल कि इन्होंने कोई बेईमानी नहीं की है, गलत काम नहीं कर रहे हैं। और जो आपने कहा था अभी कि जनता के पैसे से या जो फंड आता है उससे आप सरकार विरोधी रैलियाँ करते हैं, मैं ये कहूँ ये जन पक्षधर जनता के पक्ष में रैलियाँ करते हैं। उस पैसे जिसे हम जनता के पक्ष में कहते हैं उसे वो सरकार विरोधी कहते हैं। और कई ऐसे कानून हैं जिसे सरकार लागू नहीं कर रही, हवा में है, उसको लागू करने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं हम लोगों को, अपना अधिकार लेने के लिए। जो संविधान में लिखे हुए अधिकार हैं वही नहीं दे रहे हम लोगों को, ये किसानों को भी नहीं दे रहे, मजदूरों को। जो अमेरिका सब अपने फार्मर को 1,000 के एकड़ के फार्मर को सब्सिडी देता है वो यहाँ बंद करने के लिए कह रहा है मंडी। खबर भारत वर्ष के लिए बड़वानी से रवि सिमले की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।